जिला सुरक्षा आयुक्त CMRS श्री जनक कुमार गर्ग और अधिकारियों ने बुधवार को महामेट्रो नागपुर के रीच 2 के तहत कस्तूरजन पार्क से ऑटोमोटिव चौक मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण किया। मेट्रो रेल सेफ्टी कमिश्नर नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के 3 दिवसीय दौरे पर आए हैं। पहले दिन श्री गर्ग ने रीच 2 लाइन पर गड्डी गोदाम चौक, नारी रोड और ऑटोमोटिव चौक मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण किया। बुधवार के निरीक्षण के दौरान निदेशक परियोजना श्री महेश कुमार, निदेशक रोलिंग स्टॉक एंड सिस्टम्स श्री सुनील माथुर, कार्यकारी निदेशक श्री उदय बोरवणकर, श्री रामनवास, श्री सिन्हा, महाप्रबंधक श्री सुधाकर उराडे, मुख्य परियोजना प्रबंधक श्री प्रकाश मुदलियार, श्री आशीष संघी, श्री हिमांशु घाटवारी, परियोजना निदेशक सामान्य सलाहकार श्री रामनाथन, सह महाप्रबंधक श्री नरेंद्र उपाध्याय और महामेट्रो नागपुर के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त ने स्टेशन के लिफ्ट, एस्केलेटर, अग्निशमन उपकरण, स्टेशन के दोनों और आगमन प्रस्थान व्यवस्था, ग्राउंड लेवल, कॉन्कोर्स लेवल और प्लेटफॉर्म के साथ साथ मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के लिए आवश्यक विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने सुविधाओं की समीक्षा की। वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और विकलांग यात्रियों के लिए उपलब्ध है। उन्होंने गड्डी गोदाम गुरुद्वारे में 4-स्तरीय स्टील गर्डर का भी निरीक्षण किया, जो तकनीकी रूप से बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण माना जाता है। महामेट्रो ने भारतीय रेल की पटरियों पर 800 टन स्टील के गर्डर लगाए हैं और देश में पहली बार शहरी क्षेत्रों में 1650 टन क्षमता का निर्माण किया गया है। महामेट्रो ने हाल ही में सफलतापूर्वक लोड परीक्षण पूरा किया है। कस्तूरचंद पार्क और ऑटोमोटिव मार्ग के बीच गड्डी गोदाम, कड़बी चौक, इंदौरा चौक, नारी मेट्रो स्टेशन, सीताबड़ी इंटरचेंज से कस्तूरचंद पार्क मेट्रो स्टेशन तक के 1.6 किलोमीटर के मार्ग को 20 अगस्त 2021 को यात्री सेवाओं के लिए खोल दिया गया है, जिसमें 0 माइल फ्रीडम पार्क और कस्तूरचंद पार्क मेट्रो स्टेशन शामिल है। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।